तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी कोरियोग्राफर है जिन्होंने वैसे तो स्क्रीन पर सोनम को नचवाया लेकिन सोनम के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री ही मानो नाच उठी श्रीदेवी वहीदा रहमान हेलेन शाहरुख खान काजोल एवरी बॉडी इज डांसिंग ऑन हर स्टेप जो स्टेप सोनम कपूर ने प्रेम रतन धन पायो में की है वो स्टेप पर आज पूरी इंडस्ट्री नाच रही है फ्रेंड्स लेट्स वेलकम द कोरियोग्राफर बिहाइंड टाइटल सॉन्ग एंड ऑल दी अदर सॉन्ग ऑफ प्रेम रतन धन पायो शबीना खान वेलकम टूटीसी बॉलीवुड शबीना कभी आपने ऐसे सोचा की एक हीरोन को नचाऊंगी और पूरी इंडस्ट्री की हीरोइन हीरो सब नाचुटेंगे नहीं एक्चुअली नहीं सोचा था लेकिन दिल दिमाग में कभी ये बात थी कि ऐसा कोई मौका आए जो चने के खेत में और पिया घराया हम बचपन से करते थे ऐसी एक स्टेप मैं भी बनाऊं या सजाऊं जिसको पूरी दुनिया करे और वाकई वो हो गया।, हो गया और इतना सोचा नहीं था सीरियसली सीरियसलीवर थाट मच बट

मुझे परसों के दिन एक सिक्सटी इयर्स की लेडी हॉस्पिटल से वो भेजती है शी इज फॉर यू बेटा यू मेड मेरे चेहरे पे स्माइल आई जब मैंने ये स्टेप देखा शीज सिक्सटी इन द हॉस्पिटल एंड शी इज डूइंग दिस बैठ के

तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब सर पर आ जाए तो इंसान क्या करे मैं तो सोती भी नहीं थी रात को मुझे लगता था वो प्रेम रतन धन पायो एक तो इसका मतलब इतना बड़ा है कि बेंगा मुस्लिम आई टू गो रॉन्ग कि प्रेम रतन धन पायो का मतलब आना चाहिए बिकॉज बहुत बड़ी बात है जो hmm. कहने की कोशिश की जा रही है hmm. ऊपर से फिल्म का नाम है hmm. और सूरज सूरजातिया के साथ जब गाना करो ना hmm. तो वैसे ही बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है <laughs> बिकॉज वो एक भी बीट जाने नहीं देते <laughs> छोड़ते नहीं है पकड़ के रखते हैं फिल्म की स्टोरी भी आनी चाहिए डांस भी होना चाहिए फिर सबसे बड़ी बात हीरोइन भी इतनी ग्रेसफुल लगे कि वो आम हीरोइन ना लगे वो आम लड़की ना लगे तो सोती नहीं थी मैं अकेले मैंने रिहर्सल हॉल में अपने आप को बंद किया तीन दिन ना असिस्टेंट्स को आने दिया ना मेरा खुद का छोटा भाई जो मेरा मेन असिस्टेंट है आ, उसके बगैर मैं काम नहीं करती हूँ इस स्टेप के वक्त मैंने उसको भी नहीं आने दिया आई जस्ट फोन टू बी अलोन लीव मी अलोन तीन दिन, दिन अपने आप को बंद किया और मैंने कई स्टेप्स इस गाने पर यह स्टेप कर ली वो कर ली ये कर ली तीस पैंतीस स्टेप्स करने के बाद आई जीरो डाउन ऑन दिस स्टेप अच्छा ये वाली जिसमें यू नो <laughs> राम जी की भी झलक आ जाए <laughs> कि राम रतन धन पायो <laughs> और उसके बाद प्रेम रतन धन पायो तो वो टू गेट औरत का जो ज़ेवर होता 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 है 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 एक्चुअली उसका प्यार होता है, <laughs> <होता है, laughs> प्यार पति हिंदुस्तानी सभ्यता है <laughs> तो वो भी बहुत बड़ी बात थी कहने के लिए तो लव सो मच लव शी सेज प्रेम रतन धन पायो दिस

थिंक करेक्ट मेरी फिल्म को तुमने करेक्ट पकड़ा है ये पहला स्टेप पहला नाम जो मतलब है तुमने करेक्ट पकड़ा है इसको मैंने तीन बार स्क्रिप्ट पढ़ ली टू गेट इन टू वेयर सूरजी इज कमिंग फ्रॉम पांच साल उन्होंने इस फिल्म को दिए तो मैं तो अभी आई हूँ दो तीन महीने का मैंने रिसर्च किया सोनम हुँ, हुँ, के ऊपर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कोमल टू अंडरस्टैंड सोनम का बॉडी लैंग्वेज आई नेवर वर्क विथ हर बिफोर सो so, सलमान सर काम किया है पता है कि उनकी मस्ती और क्या कैसे वो करते हैं बट सोनम का पता नहीं था हुँ, हुँ. तो मैंने एक डेढ़ दो महीना तीन महीना लिया सोनम को समझने के लिए okay. उसकी फिल्में देखी पर्सनल अपियरेंसेज देखे उसके मैगजीन्स के सब पढ़े तो मुझे लगा शायद सोनम ने किया रंजना में एक छोटा पीस किया था जो मैं बहुत इम्प्रेस हुई उससे मुझे अच्छा लगा वो पीस hmm. मुझे लगा कि बहुत ग्रेसफुली कर रही है Correct. और आजकल एक बड़ी चीज है कोमल जो ग्रेस है ना हमारा hmm. जो हमारा जेवर है है hmm. इंडियंस का वो जा रहा स्लोली स्लोली सो माय आइडिया वाज टू गेट द कोरियोग्राफी बैक द सोल ऑफ कोरियोग्राफी वाज मिसिंग टू गेट दैट बैक बहुत सारी चीजें सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे उसके बाद आई थिंक वो सूरज जी का एक्सप्लेनेशन और सोनम का ग्रेस उसको लेकर आई एडजस्ट क्या up with this step. Yeah. <laughs> yeah. तो आपको लगता है आपने शुरुआत मेरे ख्याल से 21 साल पहले की थी yes. आज ही के दिन आज ही के दिन सो इट्स ट्वेंटी वन ईयर्स आपको लगता है कि ये 21 इयर्स में जो पॉपुलैरिटी आपको इस गाने से मिली है इससे पहले नहीं मिली नहीं है, मिली। या मिली है? नहीं मिली। नहीं मिली। मुझे छोटी छोटी चीजें मिलती रही है डांस डायरेक्टर मैं, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ बहुत लोगों ने सराहा आधे लोगों को तो लगा सरोज जी ने कर दिए गाने तो वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट था क्योंकि मैं सरोज खान और माधुरी दीक्षित की फैन रही हूँ जिंदगी भर आज तक संभालते ही मेरी छोटी बहनों में उनके गानों पे डांस करते थे बिल्डिंग में थर्टी फर्स्ट शोज में <laughs> स्कूल में तो बसे भी थी माधुरी दीक्षित और सरोज खान वो फिल्म की तो आधे लोगों को लगा सरोज जी ने क्यों होगा क्योंकि इतनी में चौट लग रही है फिल्म क्योंकि वो पैशन था <laughs> डांस करना था उस वक्त पता नहीं था कि ये फिल्म कहाँ ले जाएगी बट <laughs> देन जैसे जैसे वह गुजार फिर मैंने नाच की थी बट रिक्शन उतनी नहीं मिली कंटेम्परे डांस पहली बार लेकर आई थी मैं वो नहीं मिली उसके बाद आशिक बनाया आपने भी हिमेश जी और मेरा कॉम्बिनेशन भी एक रहा है हमेशा फिल्म नहीं चली हिमेश जी और मैं चल पड़े वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ फिर वो सिलसिला शुरू हुआ बहुत सारी फिल्में राम गोपाल वर्मा इंद्र कुमार भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया पूजा भट्ट के साथ नहीं, काफी नहीं। फिल्में की वो जो एक कोरियोग्राफर के लिए एक जो चाहिए होता है सॉन्ग करेक्ट वो सही वक्त सही एक्टर सही प्रोडक्शन हाउस वो सारी चीजें लाइन अप होना जरूरी है और आई थिंक मेरे मामले में वो लाइन अप होते होते इक्कीस साल इक्कीस साल लग गए बट देर आए दुरुस्त आए वाली बात है yeah. भगवान ने जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया बिकॉज yeah. जैसा मैंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है आ, मैंने इतने सालों में नहीं देखा है कि एक आ, फिल्म रिलीज नहीं हुई हो उस

Okay. बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी वो जैसे इंसान है तो उनको मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ जेनुअनली एक ही चीज थी मुझे सिर्फ सूरज जी को इम्प्रेस करना है मुझे इस इंसान को वो चीज देनी है जो वो जिन्होंने बहुत खड़े रह के बोला कि ये इम्पोर्टेंट टू गाने जो दो गाने वो शबीना करेगी और मेरा भी एम था ये दो गाने मैं बेस्ट करूंगी बाकी सारे जो भी कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं पर वो दो के बाद कब वो तीन हुए चार हुए पांच हुए और आठ हो गए मुझे ही नहीं पता चला बट मैं प्रिपेयर करती गई शूट करते गए हम तो डेढ़ साल तो आपको साथ में नहीं बोला गया कि ऑल सॉन्ग्स यू विल बी नहीं देयर वाज डिवाइडेड दो के बाद तीसरा दो, दो गाने बैक टू बैक थे और बस मैं कंसंट्रेट करके दो गाने कर रही थी फिर बोला शबीना तीसरा गाना अगले महीने करना यू स्टार्ट वर्किंग आई स्टार्टेड वर्किंग फिर चौथा गाना उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग चौथे के बीच में पांचवा आ गया तो मैंने कभी देखा नहीं पलट के और मैं डरी भी नहीं वक्त ही नहीं मिला डरने का बस फोकस पूरा सूरज जी के ऊपर रख के उनके कदम पे बस चलती गई चलती गई उनको खुश करने के लिए ये कहना सही होगा कि सूरज जी टास्क मास्टर छोड़ते नहीं, है।, छोड़ते नहीं है।, <laughs> मतलब उनकी शिद्दत जो है काम करने की लगन जो है, <laughs> वो, आप सूरज है <laughs> वो अपने आप में एक स्कूल है <laughs> मतलब मेरी जिंदगी बदल गई है सी एक चीज उनमें भी जॉइंट फैमिली है मुस्लिम तो पार्टी नहीं ये नहीं उनकी तरह बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल मिलते हैं तो शायद मैं जल्दी समझ पाई और ही ऑल्सो अंडरस्टूड इज ए वन हु विल गिव मी बिकॉज इस गाने में अभी तो लोग सिर्फ स्टेप देख रहे हैं इसमें hmm. एक बहुत बड़ी चीज़ है गाना जब पूरा देखेंगे लोग hmm. कि किस तरह से फैमिली को मिलाकर वो प्रोसेशन जो होता है उसको एंजॉय hmm. करते हैं तो फैमिली की बात Achha. है इसमें तो वो आपको आसान लगी बिकॉज़ यू कम जॉइंट फैमिली फैमिली यस एग्जैक्टली और वैल्यूज वही है बड़ों की बात मानना है mm -hmm. उन उनके इरादों को भी पूरा करना है अपने अपने साथ अपनी सभ्यता को अपने कल्चर को भी रखना है तो सूरज जी कहते थे कि तुम समझती हो मेरी बात को मैं अगर बाहर किसी को दस बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो मैं एक बार देता हूँ तो यू कम बैक पकड़ लेती हो बिकॉज तुम को. समझ जाती हो तो देर वॉज अ रीजन ही मी दिस सॉन्ग शबीना आपने कहा कि मैं भी एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ मुस्लिम फैमिली से कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ने फिर अपनी बेटी को कैसे अलाउ किया कोरियोग्राफर बनना? बहुत, बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल हमारी एक कम्यूनिटी होती है जैसे पठानों की कम्युनिटी ऐसे तो हम भी वी आर फ्राम स्वाद हमारे मम्मी के दा दादा पर दादा स्वाद से आए, आए थे हम बॉम्बे में बड़े हुए पैदा हुए बॉम्बे सब कुछ है लेकिन जब पहली बार मैं उर्दू सिखाती थी अपनी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इतने पैसे वैसे होते नहीं थे तो छोटी थी

स्टेज तो नहीं करना क्योंकि सहेगड़े स्टेज कर रहे थे वहाँ को सीखने को नहीं है मेरे पास तो गणेश आचार्य जी का ऑफर आया तब मैंने बैठ के बात की तो शी सेड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप नहीं कर पाओगी बाहर नहीं जाना पार्टी में नहीं जाना आपके साथ मैं और पापा होंगे तो सिक्स ईयर्स ऑफ माई असिस्टेंट करियर माई मॉम डैड यूज़ टू बी विथ मी ऑन सेट दे नेवर लेफ्ट मी अलोन सो आई थिंक द होल फोकस वॉज ऑन वर्क ऑल द टाइम एवरी टाइम तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी ये सेफ्टी है ये सेफ्टी नहीं है पढ़ाई करो और काम करो फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो कम्युनिटी से निकाल दिया गया मेरे पेरेंट्स को कि बिकॉज़ मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ फिल्म म्यूज़िक तो आपकी बेटी से कम्युनिटी में शादियाँ होती है mm -hmm. हमारी हर एक की कम्युनिटी उसमें mm -hmm. शादी होती है तो आपकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा मैं डैट डैट टाइम माई डैट टू का स्टेप ही सैड कि ठीक है वो खुद अपने आप को इतना बड़ा करेगी कि उसकी शादी ऊपर वाला कराएगा नहीं भी होगी तो बेटे की तरह काम करेगी शादी करके क्या करना ही नेवर टू लाइक दिस कल्चर दैट शादी करो किचन में जाओ हीज लाइक के औरतें भी उतनी आगे बढ़नी चाहिए तो वहां से ही स्टार्टेड तो आज yeah. भी मेरे खानदान में मेरे और मेरे भाई बहनों के सिवा कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है बट टूडे दिस से वी आर प्राउड ऑफ यूक्ट ए रिस्पेक्ट और दिस अगर हमारी लड़कियां भी कुछ करना चाहे तुम्हारी तरह करें तो फिर वी डोंट माइंड सो so, एक मिसाल बनाने के लिए कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है तो एट अ टाइम दो साल के लिए वी वा आउट नथिंग नो हाउस बहुत स्ट्रगल किया उन दो सालों में बट वी वर ऑल टुगेदर एज फैमिली सो वो सपोर्ट वो सपोर्ट हमेशा सपोर रहा हा, हा, कभी मम्मी डैडी ने बोला नहीं कि तेरी वजह से हुआ mm -hmm. फिर एक वक्त ऐसा आया कोमल कि यही काम ने mm -hmm. मेरी फैमिली को मदद की मैं डैड मेड एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से दस नो बडी वी वी लेफ्ट हम आउट निकल के आ गए थे कुछ नहीं हुआ तो देन आई स्टूड फॉर माई फैमिली दिस इज टाइम

एक सॉन्ग है हालोरे हालोरे और इस तरीके से सलमान खान को ने डांस करते देखा नहीं होगा अच्छा। बेम्बू लगा के दो फ्रेंड्स नाच रहे बड़ा फनी है हा, हा, हमारे दो रिटेक हुए उसके बाद लाइट चली गई हम वेट कर रहे थे सामने एक टेरिस पे कुंबलगढ़ फोर्ट पे सामने टेरिस पे कुछ पैंतीस चालीस बच्चे है सलमान खान सलमान खान वी ऑल Bam like we'll <laughs> सलमान <laughs> सर, we so, मतलब, सर के ऊपर जो भी स्टेप आप दो ना वो उनको अपने अंदाज में जो निभाते है ना hmm. वो लोगों को मजा आता है दर्पण बता बचपन कहाँ वेरी इमोशनल सॉन्ग वो शीश महल के अंदर हुआ okay. मतलब हर एक गाना गाने की लोकेशन इतनी लैविश थी hmm. और जो मांगा से hmm. वो दिया कभी नहीं बोला के बजट सोचो कॉम्प्रोमाइज नहीं डेज़ नहीं पूछे कभी कुछ भी नहीं एंड सेम गोज वो मनी कर्न सर मनी सर कैमरामैन कैमरामैन व्हाट अ लवली वर्क यू नो तो बचपन वाला सॉन्ग जो है ना वो एक शीश महल के अंदर है जहां पे हम जाओ तो हर जगह कैमरा दिखता था वन डे वी आउट क्या करें करें कैसे शूट बट इट्स ब्यूटीफुल ऐसा मतलब शीश महल मैंने नहीं देखा अभी तक इतना ब्यूटीफुल शीश महल फिर मिरर मेज बनाया था वहां पे पूरा नहीं। 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 फिर एक गाना किया हमने जब तुम चाहो जो आपने टीवी पर देखा होगा डबल इमेज सलमान सोनम उसमें छोटी सी डायरी में वो बहुत मजे का वो कॉन्सेप्ट है कि छोटी सी डायरी में वो शिकायत कर रही है और एक शिकायत वो भी मतलब हर गाने में कोई ना कोई कनेक्ट हो जाएगा कोई ना कोई एक ऑडियंस के जो लोग हैं वो कनेक्ट होते चले जाएंगे हर लड़की शिकायत करती है औरत शिकायत ही करती है वो गर्लफ्रेंड हो बीवी बने माँ बने माँ भी है तो बेटों से तो शिकायत करती है बीवी भी करती है तो, तो वही वाली एक चीज़ है सूरज सर को अच्छी तरह पता है कि किसकी पल्स कहाँ पकड़नी है सो <laughs> ही so टोल्ड मी जब उन्होंने समझाया तो शिकायत करती हो अपने हस्बैंड से हाँ करती हूँ मैं बहुत करती हूँ क्यों ना करूँ जैसे तो तो यही गाना करना है मार्केट सॉन्ग देर प्रेम इज बाइंग स्टफ फॉर मैथली Okay. चीजें खरीद रहा है जहां आई थिंक पहली बार हाँ। हम देखेंगे गुंजिया को लेकर कोई हीरो डांस कर रहा है अच्छा। हाथ में बर्फी को लेकर अच्छा। चकली चूड़ा छोटी छोटी चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं बट हम देखते नहीं है हम खरीदते भी है लेकिन हमने कभी देखा नहीं बट वो चीजों को लाजर दन लाइफ बना के यू नो उस गाने में ब्यूटीफुली शूट किया हमने उसको मार्केट बना के पूरा बड़ा मार्केट था वो भी बहुत अच्छा है आज उनसे मिलना है हमें सेम सॉन्ग सोनम गाती है है उनके लिए कि है साथ आए वो 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 दिल में में समाए वो, इनको जो भाए वो हम लेंगे अगेन वाइफ फॉर हस्बैंड तो 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 आई थिंक मेरी जिंदगी का सारा निचोड़ था निचोड़ इस था। फिल्म में। <laughs> तो शबीना, इस फिल्म 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 शबीना के बाद फिल्म तो रिलीज होने को है, लेकिन इस फिल्म के बाद जो गाने पॉपुलर हुए आपकी लाइफ बदल गई है

तो उनके ब्लेसिंग्स है लोगों की शुभकामनाएं हैं मेरी फैमिली की दुआएं हैं जिस जो भी है बट जो है ये बहुत अच्छा है चलिए ब्यूटीफुल इट इज इट इज इनडीप ब्यूटीफुल आपसे बातें करके भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बातें करके भी मजा आया एंड हियर इज विशिंग यू द वेरी बेस्ट लेट दिस 21 साल लग गए लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा देर आए दुरुस्त आए 21 साल के बाद आपके करियर को ऐसी आ, जो बोलते ना ऐसा एक्सलरेटर लग जाए कि आप ऐसे दौड़ती चली जाए एंड uh, ऐसे काम करें कि हर फिल्म प्रेम रतन धन पाए हो जाए थैंक यू सो मच थैंक यू तो दोस्तों ये थी शबीना खान इनके गाने आप देख ही रहे हैं ट्रेलर में अब जाके बड़े पर्दे पर सिनेमा घर में देखिए फिल्म परसों रिलीज होने को है थर्सडे को इस बार गुरुवार को रिलीज हो रही है प्रेम रतन धन पायो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट एंड टू अजर बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड एन क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो ऑन ट्विटर आई टी बॉलीवुड दिस इज कोमल बिदिंग यू गुड बाय